दोस्तों आज मैं आप लोगों को पट्टी का कनेक्शन बताएंगे, पट्टी का कनेक्शन जो है कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं यह सब जो पट्टा लगा हुआ है, इसका कनेक्शन हम आप लोगों को बताएंगे, कनेक्शन जो इसका कैसा किया करते हैं और किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों अभी धूप है, इसी कारण आप लोगों को पट्टा सही से दिखाई नहीं देता होगा। तो हम आप लोगों को इसका कनेक्शन बताते हैं, किसका कनेक्शन जो है कैसे होता है। इसमें पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस जगह सर्किट लगा हुआ है, यह पैरेलल कनेक्शन में किया गया है। इस जगह आप देख रहे हैं कि तीन वायर है, पीला वाला डाटा का है और लाल प्लस का और काला माइनस का है, जो पैरेलल कनेक्शन में किया गया है या डाटा है। तो इस जगह से दोस्तों पावर सप्लाई दिया गया है, आप देख सकते हैं यह मेन लाइन है और इसका पावर सप्लाई पट्टा का दिया गया है। तो ये SMPS है दोस्तों, देख सकते हैं क्या इसमें SMPS लगा हुआ है पावर सप्लाई। तो पट्टे का कनेक्शन दोस्तों इसी प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों यह रोड लाइट लगा हुआ है, आपको पीछे की तरफ से हम दिखा रहे हैं। यह जो देख रहे हैं यह पावर सप्लाई है, इसमें सर्किट लगा हुआ है और एक पावर सप्लाई इस जगह भी है। यह वोल्टेज ड्रॉप के कारण डबल इसमें पावर सप्लाई लगाया गया है और एक सर्किट लगाया गया है। इसका कनेक्शन दोस्तों, तो यह रोड लाइट है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को जनरेटर का कनेक्शन बताते हैं कि जनरेटर का सप्लाई जो है इसी जगह से दिया गया है। इस जगह आप देख रहे हैं कि दो जनरेटर लगा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों यह जनरेटर का मेन वायर हुआ और इस जगह भी यह जनरेटर का मेन वायर है। आप देख सकते हैं कि इस जगह जो है वायर लगा हुआ है, इस जगह भी कनेक्शन किया हुआ है। यह कनेक्शन होते हुए जो है इस वायर में आया और इसी वायर से पट्टे और गेट में जो है सप्लाई दिया गया है। दोस्तों ये देख रहे हैं इसमें 5 बोर्ड लगा हुआ है, 5 बोर्ड में एक SMPS और एक डाटा लगा हुआ है। इसका भी पैरेलल कनेक्शन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसी गेट का जो है हम आप लोगों को कनेक्शन बताए। चलिए दोस्तों इसमें हम आप लोगों को लाइट दे के भी दिखाएंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।